हेलो फ्रेंड्स, स्नेफ्लिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो यार, बोर्ड्स की एग्जाम्स फाइनली अनाउंस हो चुकी है। बहुत ही कम दिन बचे हैं अब बोर्ड्स की एग्जाम के लिए। तो आपको इन दिनों में बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे कि कैसे प्रिपरेशंस करनी है, सुबह को पढ़ाई करनी चाहिए या रात को पढ़ाई करनी चाहिए, टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इंट्रो के बाद। तो यार, काफी स्टूडेंट्स काफी टाइम से ऐसे ख्वाब देख रहे थे कि यार हमारी एग्जाम भी ऑनलाइन हो जाएगी या मतलब हमारी एग्जाम्स को भी मतलब मास प्रमोशन मिल जाएगा। तो उन लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही है कि यार अब पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और रही बात टाइम टेबल की, तो यार देखो, हम लोग रोबोट्स नहीं है, ठीक है। अब आप अभी टाइम टेबल बनाओगे कि 7 बजे उठ जाऊंगा, 7:30 बजे ये करूंगा, 8:30 बजे ये करूंगा, बट यार ऐसे फॉलो नहीं होने वाला, क्योंकि यार हर वक्त हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना नहीं होता है और मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और जब मैं 10th में था तो यार मैंने भी बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स अप्लाई की थी और लास्ट के महीने में ही मैंने यार पढ़ाई करके 98 PR तक का स्कोर कर लिया था। तो यार काफी लोगों ने मुझे बोला था कि यार ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, तो अभी मैं यही एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यार टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है यार, ऐसा करना चाहिए कि आप अभी बैठे हुए हैं और आपको पता है कि आपके पास अभी 2 घंटे है, ठीक है। तो इस 2 घंटे में पर्टिकुलर आपको क्या करना है, सिर्फ उसी की प्लानिंग करो। और सबसे पहले यार उस 2 घंटों में आप जितना भी पढ़ रहे हो वो खत्म कर लो और उसके बाद का सोचो, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले लो, वापस 2 घंटे आपके पास है, तो उस 2 घंटे में कौन कौन से सब्जेक्ट्स क्या है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, तो वही प्रिपेयर करो यार। छोटे छोटे टारगेट्स यार अचीव होंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और दूसरी चीज यार, काफी सारे लोग मतलब ऐसा मुझे पूछ रहे थे कि यार आप सुबह को पढ़ रहे थे या अर्ली मॉर्निंग या रात को पढ़ाई करनी चाहिए, तो यार ऐसा कोई रूल नहीं है कि पर्टिकुलर कि यार सुबह को पढ़ने से याद रहता है, रात को पढ़ने से याद नहीं रहता है। आपके सराउंडिंग्स में जो भी मतलब एनवायरमेंट आपका है, उस बेसिस पे आप अपनी तरह से पढ़ सकते हो। पढ़ना इम्पोर्टेंट है, कब पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ लास्ट 1 वीक जब बचा होगा एग्जाम का, तब से आप मॉर्निंग में उठना शुरू कर देना, क्योंकि यार एग्जाम्स आपकी मैंने देखा है टाइम टेबल मॉर्निंग में भी होती है। 10th वालों की शायद मॉर्निंग में है और 12th वालों की नून में होती है। तो उस तरह से यार आप अपना टाइम टेबल फॉलो कर लेना। और बहुत सारे क्वेश्चन है तो ये एक ही वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक्स पे मैं वीडियो अब लाने वाला हूँ पूरा, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग की एग्जाम अभी अभी खत्म हो चुकी है, तो अब मैं थोड़ा सा फ्री हो चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आपके सारे बोर्ड्स के जितने भी मतलब फ्रेंड्स हैं ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उन लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं प्रेम द प्याला पियो, मैं